Assalamualaikum students, I hope you all are fine in taking good care of yourself. आज बच्ची हम अपना क्लास पंचम मज़मून इस्लामियात का सबक नंबर ये बाब चाहरूम है आपका इखलाक आदाब उसका सबक नंबर 5 है वादे की पाबंदी. वादे की पाबंदी रीड आउट करेंगे हम. वादा क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी. वादा मीन्स किसी से कोई बात कहना या कोई काम करने का यकीन दिलाना वादा कहलाता है. लेकिन अगर यही वादा या यही बात कहकर मुकर जाना, वादा करके काम ना करना, वक्त पर ना करना या बात को तब्दील कर देना, रद्दो बदल कर देना, ये वादा खिलाफी कहलाती है. बेटी हम सबको ही पता है कि इस्लाम वो मजहब है जिसमें इखलाक आदाब, तौर तरीकों, इज्जत, मोहब्बत इन सबको बहुत अहमियत हासिल है. इस हवाले से इस्लाम में बड़ों की इज्जत, छोटों पर शफकत, महफिल और गुफ्तगू के आदाब समेत कई मामलात पर रहनुमाई मिलती है. वादे की पाबंदी भी इनमें से एक ही है. हम सब इसे एक बहुत छोटी चीज समझते हैं, बॉदर नहीं करते, छोटी छोटी बात पर प्रॉमिस कर देते हैं, अपनी बात कह देते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपकी बात कल बताऊंगा या मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर तक, ये वो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम बॉदर नहीं करते. बट एक तरफ से ये हम कमिटमेंट कर रहे होती हैं, प्रॉमिस दे रहे होती हैं जिसे हमें पूरा करना चाहिए. इस लेसन में मैं आपको यही बताऊंगी कि वादे की अहमियत क्या है और वादा तोड़ने की सजा क्या है. अगर कोई वादा पूरा नहीं करता, अपनी कही हुई बात पूरी नहीं करता या उसमें कोई रद्दो बदल या तब्दील कर देता है तो उसकी इस्लाम के मुताबिक क्या सजा मिलती है और इसे गुनाहे कबीरा कंसिडर किया जाता है. गुनाहे कबीरा, गुनाहे सगीरा आपको पता ही होगा, यानी ऐसे गुनाह जो छोटे होते हैं, छोटे लेवल पर किए जाते हैं, जिनकी माफी जो है वो किसी हद तक मुमकिन होती है, गुनाहे सगीरा. और गुनाहे कबीरा वो गुनाह जो बड़े गुनाह होते हैं और इनकी माफी आसानी से नहीं होती. अभी ये वादे की पाबंदी भी एक अहम जो है वो फोकस किया जाता है इस्लाम में. इस पर लोग इसे मामूली समझते हैं लेकिन इस्लाम इसे बहुत अहमियत देता है. पहले ही मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता चुकी हूं कि किसी बात को कहने या कोई काम करने का यकीन दिलाने को वादा कहते हैं. अब इस पर कहकर मुकर जाना, वादा करके काम ना करना, वक्त पर ना करना या कोई बात को बदल देना वादा खिलाफी कहलाती है. लेकिन अगर वही काम वही बात आप पूरी कर देती हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते तो उसे वादे की पासदारी या एफआई अहद करना कहते हैं. अब ये वादे की पाबंदी से मुराद ये है कि जब किसी से वादा किया जाए तो फिर इसे हर सूरत पूरा किया जाए. वादे की पाबंदी को एफआई अहद कहते हैं. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू आमतौर पर वादे की पाबंदी से मुराद वो वादे लिए जाते हैं जो हम पूरे कर सकें. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे वादे करने से मना फरमाया है जो आप एक दूसरे से पूरा नहीं कर सकते. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक भाई दूसरे भाई से ऐसी बात या ऐसा कौल, ऐसा वादा ना करे जो उसे पूरा ना कर सके, और अगर कोई वादा करता है तो उसको हर सूरत पूरा करे. अभी एक तरह से वादे देखिए दो तरह के होते हैं. एक वादा जो हमारी साथ यानी हम इंसान अल्लाह पाक से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें ही शामिल है जैसे हम सबसे पहला इकरार करते हैं कलमा तैयबा पढ़कर कि हम एक अल्लाह की इबादत करेंगे और अल्लाह ताला की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे. ये है वादे की पहली किस्म, यानी वादा अल्लाह पाक की जात से और हमारे दरमियान. अब हम इसे पूरा करते हैं कि एक ही अल्लाह की इबादत करते हैं, एक ही अल्लाह को माबूद मानते हैं और अल्लाह ताला के सिवा इन अल्लाह की जात में किसी को शरीक नहीं ठहराते, इस वादे की हम पाबंदी करेंगे. दूसरा वादा जो इंसान और इंसान के दरमियान में होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया छोटी छोटी बातें, जैसे हम कहते हैं मैं कल आपसे ये बात फाइनल करूंगा, मैं आपसे मिलने आऊंगा कल, या मैं अभी आपको ये बात बताता हूँ और नेक्स्ट पर्सन आपका वेट कर रहा है, आप उसकी बात बॉदर नहीं करते. इसके अलावा हमारी रोजमर्रा जो रूटीन होती है उसमें हम कोई फ्रेंड हमारा हमारे पास कोई अपनी चीज रखवा देता है, कोई अपने पैसे रखवा देता है सामान की अमानत के तौर पर,
आपको फिलहाल टाइम पर रिटर्न कर दूंगा। ये है हमारी दुनियावी एक दूसरे सेवा, हमें इन सब की पासदारी करनी चाहिए, इन सबको कंप्लीट करना चाहिए, अपने प्रॉमिस फुलफिल करने चाहिए। उसके बाद बेटे हम रीड आउट करेंगे पाबंदी अहद कुरान की नजर में। पाबंदी अहद कुरान की नजर में यानी कुरान करीम वादे की पाबंदी के बारे में हमें क्या हुक्म देता है। हम सभी जानते हैं कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, जिसे रब्बे करीम ने इंसानों की हिदायत के लिए भेजा है। और तकरीबन कुरान करीम वो किताब है बेटे जिसमें हमारी जिंदगी गुजारने के सियासी समाजी मुआशी हर तरह के उसूल और हमें हिदायत मयसर आती है। अब बेटे कुरान करीम में कई जगह इरशाद किया गया है और अहद को पूरा करो कि अहद के बारे में जरूर पूछा जाएगा, प्रसिश होगी। इसके अलावा वादों को पूरा करो, बेशक वादों के बारे कयामत के दिन पूछा जाएगा। एक और जगह इरशाद फरमाया है, और जब अल्लाह से वादा करो तो उसे पूरा करो, ये सूरत नहल में बयान किया गया है। इसके अलावा एक और जगह पर इरशाद किया गया है, ए ईमान वालों अपने वादे को पूरा करो। एक और जगह पर इरशाद है वादे के बारे और वादा पूरा करो कि वादे के बारे में जरूर पूछा जाएगा। फिर हदीस शरीफ है, जिसने वादे की पाबंदी नहीं की उसके दीन का कोई एतबार नहीं। अब आप देखिए बेटे कुरान करीम में कई बार वादे की पाबंदी करने का हमें हुक्म दिया गया है, यानी कितना अहम अमल है ये। हम किसी से वादा करते हैं, अल्लाह की जात से वादा करते हैं, तो हमें उसे पूरा करना चाहिए। बार बार कुरान पाक में हमें हुक्म दिया गया है। इट्स योर बुक पेज नंबर 60, वो पेज नंबर 60 है बेटे आपका, बाप चाहारुम इखलाको आदाब में आपका सबक है वादे की पाबंदी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें वादा पूरा करने के लिए बहुत से ऐसे लेसन दिए हैं अपनी लाइफ में, जिन्हें अगर हम देखें, हम पढ़ें और उन पर अमल करें, तो मेरा नहीं ख्याल हम में से कोई भी ये कोताही करेगा, अपना किया हुआ छोटा सा वादा भी पूरा नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं आपसे एक वाक्य शेयर करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वाक्य आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही नाजिल होने से पहले का है, यानी आप पर जब वही आप नबी माबूस हुए उससे पहले का ये वाक्य है। हम सभी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नेम से पूरा अरब जानता था। सादिक और अमीन क्यों कहते थे? बिकॉज आप झूठ नहीं बोलते थे, आप सच की पासदारी करते थे, आप जो बात कह देते थे उसे पूरा करते थे, और स्पेशली उसमें आ जाता है वादा, वादे की पाबंदी करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा पूरा करते थे, अपना कमिटमेंट पूरी करते थे। अमीन कहा जाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ना सिर्फ मुसलमान बल्कि नॉन मुस्लिम जो यहूदी थे वहां अरब में, कुफारी मक्का थे बेटे, वो भी अपनी अमानती, अपनी जो बहुत अहम चीजें होती थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकर्रा वक्त के लिए रख जाते थे आपके पास, और आप उन्हें टाइम के अकॉर्डिंग जो टाइम उनके साथ तय होता था, फाइनल होता था, उसके बाद उन्हें रिटर्न कर देते थे। तो इसी वजह से ना सिर्फ मुसलमान बल्कि वहां के कुफार गए यहूदी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के लकब से पुकारते थे। आप सल्लम का पेशा तिजारत था, नबी महबूस होने से पहले भी तिजारती कारोबार के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी से ना आप सौदा तय कर रहे थे, जो भी है एक डील तय कर रहे थे। उस डील के दौरान बेटे आप अपने हेडफोन्स यूज कीजिए, आप अपने माइक म्यूट कीजिए, वॉइस जी बेटे, एक आदमी तिजारत के सिलसिले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डील फाइनल कर रहे थे। तो क्या हुआ, डील फाइनल करते हुए उसे एक काम याद आ गया, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि मैं आप यही रुके और मैं आता हूं थोड़ी देर तक। तो इट्स 60, पेज नंबर 60। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फरमाया ठीक है मैं आपका यहाँ इंतजार करता हूँ, ये कमिटमेंट दोनों में फाइनल हो गई। वो आदमी कहता मैं अभी आता हूँ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ठीक है मैं आपका इंतजार करता हूँ। तो क्या हुआ, जैसे वो आदमी गया, वो जाते ही अपनी जो जिंदगी के दूसरे काम किए उसमें ऐसा बिजी हुआ, मसरूफ हुआ कि उसे याद नहीं रहा कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वेट का बोल कर आए कि आप मेरा यहाँ इंतजार फरमाइए मैं अभी वापस आता हूँ। तो हदीस शरीफ में आता है सलासा का वर्ड, यानी तीन दिन के बाद उस आदमी को याद आया कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल कर आया है कि मैं अभी आता हूँ। लेकिन क्या हुआ, फिर तीन दिन के बाद वो फौरन भागा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उसने देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर वेट कर रहे हैं, उस आदमी का वहीं पर इंतजार कर रहे हैं। तो आदमी बहुत शर्मिंदा हुआ, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोला कि सॉरी, उसने सॉरी की, मैं भूल गया था अपनी मसरूफियत में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने टाइम दिया था कि मैं अभी आता हूँ और मैं वापस आना भूल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वादे की खिलाफी तुमने की, मैं अपनी जो कमिटमेंट की थी कि हाँ मैं यहाँ इंतजार करूंगा आपका, तो मैं तीन दिन से ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। तो देखिए, तीन दिन से हमारे आका सरकारे दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शख्स के साथ छोटी सी की हुई कमिटमेंट, जिसे हम दिन में रोज पता नहीं कितने लोगों के साथ कर देते हैं। मामा से कह देते हैं मामा मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, बाबा से कह देते हैं मैं अभी कर देता हूँ थोड़ी देर में, ऐसे हम बोलते हैं, अपने फ्रेंड से कह देते हैं मैं आपको काम कल सेंड करूंगा, या कोई चीज समझानी होती है कह दिया, छोटे बहन भाइयों से कह दिया आप कह रहे मैं आपको थोड़ी देर तक समझा देता हूँ अभी मैं काम कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी कमिटमेंट जो हम बॉदर नहीं करते, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हमें उसकी भी रहनुमाई मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी छोटी सी बात, छोटी सी कमिटमेंट पूरी करने के लिए उस शख्स का तीन दिन वेट किया है। आलू कुरान के इन वाजे अहकाम को नजरअंदाज करके बड़े आराम से झूठे वादे करते हैं, हमें चाहिए कि हम झूठे वादे करने से बचें। इसी तरह अमानत भी एक तरह का वादा ही होती है कि अगर कोई रकम या कोई कीमती चीज किसी के पास अमानत के तौर पर रख पाई गई है तो उसे वादे के मुताबिक अमानत रखवाने वाले शख्स को वापस कर दे, मगर लोग अमानत में खयानत कर लेते। आप खुद भी अगर अपनी डेली लाइफ में नोटिस करें, ऑब्जर्व करें अपने आप को, सिर्फ अपने आप को, आप देखिएगा आप कितनी खयानत करते हैं अपनी डेली रूटीन, छोटी छोटी बातों को लेकर। अल्लाह ना करे कि आप लोग अपनी बड़ी अमानतों में खयानत करें, उससे पहले हम लोग इस काबिल हों कि आपको समझा सकें बुरा क्या है और सही क्या है, और आप लोग भी ये समझ जाएं कि आपको अमानत में खयानत या कोई भी बात कमिटमेंट कोई भी कर उसे हेर फेर नहीं करना चाहिए, उसे चेंज नहीं करना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। क्या है बेटी, हालांकि वादे की पाबंदी करने वालों को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत का वारिस करार दिया है, यानी जो लोग वादे की पाबंदी करते हैं, अपनी बात की हुई पूरी करते हैं, किसी से काम करने का जो कहते हैं वो काम पूरा करते हैं, वक्त पर करते हैं, तो उन्हें अल्लाह ताला ने जन्नत का वारिस करार दिया है। कुरान करीम में इरशाद है, आप अपने पेज नंबर 60 पर देख सकते हैं, तर्जमा गिवन है, आयात भी है, मैं तर्जमा आपके साथ शेयर करूंगी। और जो अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमान का पास नहीं करते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, जो अपनी अमानतों और अपने अहदो पैमान का पास करते हैं, और जो अपनी गवाहियों पर कायम रहते हैं, और जो अपनी नमाज की खबर रखते हैं, यही लोग जन्नत में इज्जतों इकराम से होंगे। मक्का में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई, अमानतदारी और वादे की पाबंदी का एतराफ करते थे। हत्ता कि अबू जहल जैसा दुश्मन भी ये कहता था कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते हैं, यानी आप सादिक हैं और कोई कभी भी कोई गलत बयानी नहीं करते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत और लेन देन के मामलों में भी वादों की पाबंदी किया करते थे। इसके साथ ही बेटे एक और वाक्य मैं आपसे शेयर करूंगी। ग़ज़वा बदर का मौका था और एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, जिसका नाम था हजरत हुज़ैफ़ा। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर किया कि मुझे काफिरों ने पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे रिहा कर दिया, एक शर्त रखी मेरे साथ, वो ये थी
कि मैं काफिरों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं करूंगा, यानी उनका सामना नहीं करूंगा। बट अब ग़ज़वा बदर का टाइम है, मैं चाहता हूं कि ग़ज़वा बदर में आपके साथ शरीक हूं, तो आप मुझे इजाजत दें ताकि मैं अपनी शिरकत कर सकूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपने वादे की पासदारी करो, अपना वादा पूरा करो और लड़ाई में हिस्सा ना लो। यानी काफिरों के साथ किया गया वादा भी हमें पूरा करना चाहिए। फिर उसके साथ ही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी वादा फरमाते थे तो पूरा किया करते थे और ख्याल करते थे कि दूसरा भी अपना वादा पूरा करे। अगर हम अपना वादा पूरा नहीं करेंगे तो दूसरों को सख्त तकलीफ पहुंचाएंगे और हमें खुद भी शर्मिंदगी होगी। आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि जो शख्स झूठ बोलता है, अपनी बात को पूरा नहीं करता, नेक्स्ट टाइम हम उसकी बात का यकीन नहीं करते। ऐसा होता है, नेक्स्ट टाइम हम कहते हैं कि आपने तो पहले भी मेरे साथ ऐसे किया था और आप अब भी ऐसे करेंगे। तो वो शख्स जो है अपना वकार खो बैठता है, हमारी नजरों में भी और मुआशरे की नजरों में भी उसकी इज्जत पहले वाली नहीं रहती। तो बेहतर है कि आप जो बात करते हैं, जो कमिटमेंट करते हैं, जो काम करने का बोलते हैं, जिस वक्त पर बोलते हैं, उसे वक्त के मुताबिक पूरा करें, उसमें किसी किस्म का रद्द बदल ना करें। हिजरत मदीना के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में अमन की खातिर यहूदियों और दीगर कबाइल से एक मुआहदा किया था जो मिसाके मदीना के नाम से मशहूर हुआ, और उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शराइत रखी थी उनकी पासदारी की, जबकि यहूदियों ने उनके खिलाफ वर्जी की और उसका नुकसान भी उन्होंने भुगता। लास्ट आपके फर्स्ट लेसन में सुलह हुदैबिया के बारे आपने पढ़ा था। सुलह हुदैबिया ये भी जो है कुरैश मक्का और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान जो है एक सुलहनामा जो है वो तय हुआ था। इसकी भी कुछ शराइत थी और उन शराइत की पासदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, लेकिन कुरैश मक्का ने उनके खिलाफ वर्जी की और उसके नतीजे भी उन्होंने भुगते। बेटी, वादा पूरा करने के कुछ फवाइद आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं। फवाइद ये हैं, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश होते हैं। इंसान का एक दूसरे पर एतमाद बढ़ जाता है, ऐसे शख्स को लोग पसंद करते हैं। आप अपना और दूसरे का वक्त जाया नहीं करते। फिर इंसान के वकार में इजाफा होता है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि वादा एक अमानत है, वादा करना अमानत की तरह होता है, तो जिस तरह आप वादा करो उसी तरह पूरा करो। एक और रिवायत में कहा जाता है कि बंदा मोमिन जब वादा करता है तो इस तरह होता है जैसे एक मोमिन का हाथ दूसरे हाथ में पकड़ लिया, यानी इसको इतनी मजबूती से पूरा करें जैसे आप उसके जैसे आपने वादा तय किया है। वादा पूरा करने से इंफरादी और इज्तमाई दोनों फवाइद हासिल होते हैं, मुआशरे में बेहतरी होती है, लोगों का एक दूसरे पर एतमाद भर जाता है, मुआशरे में भरोसे और ईमानदारी की फिजा कायम होती है, अल्लाह और उसका रसूल भी राजी होता है। वादा पूरा करने वालों के लिए आखिरत में अजर अजीम का ऐलान किया गया है। अब हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में क्या करते हैं, हम वादे करते हैं लेकिन उन्हें वक्त पर पूरा नहीं करते। एग्जाम्पल मैं आपको स्टार्ट से दे रही हूँ कि हम क्या करते हैं, जैसे चंद एक जुमले जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ये है कि मैं आपके पास कल आऊंगा, मैं अभी तुम्हें ये बात बता देता हूँ, फिर मैं आपका साथ दूंगा और आप मुझे ये चीज दे दें, मैं आपको फलां टाइम तक जरूर वापस कर दूंगा। लेकिन क्या करते हैं हम जो कहते हैं मैं आपके पास आऊंगा, हम भूल जाते हैं, हम अपनी जरूरी मसरूफियात में अपनी जो भी बिजीनेस होती है उसमें बिजी हो जाते हैं। फिर जैसे मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ, बट वी लाइक टू प्ले गेम्स, हम भी तो गेम्स खेलनी होती हैं, हम क्यों समझाएं छोटे बहन भाइयों को। लेकिन बेटे ऐसा नहीं करना, अगर आपके छोटे बहन भाई, आपका कोई भी छोटा या आपका कोई भी बड़ा आपका वेट कर रहा है कोई बात पूछने के लिए, यू शुड हैव टू टेल देम, आपको उन्हें उसी वक्त पर बताना चाहिए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बिजी भी हैं, एक्चुअली यू आर बिजी इन समथिंग, सो क्या करें, आप जैसे आप फ्री हो जाएं तो आप उन्हें टाइम देकर अपनी बात जरूर कंप्लीट करें, फिर मैं आपका साथ दूंगा। समटाइम हम कह देते हैं डोंट वरी यू एट ऑल, आई विल विद यू, यानी मैं आपके साथ हूँ, आपने परेशान नहीं होना। बट हम क्या करते हैं, अंदर से सोच रहे होते हमें क्या लेना है, ये अपना काम खुद करें, हम क्यों दूसरों की टेंशन लें। लेकिन नहीं बेटे, हमें इस बात से भी मना किया गया, अगर वो काम आप नहीं कर सकते तो वो बात भी मत बोले,
वो काम करने के लिए हाँ भी मत बोले, नहीं कर सकते तो आप साफ इनकार कर दें ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। आप मुझे ये चीज दे दे, मैं आपको वापस कर दूंगा। आपको वो चीज अच्छी लग जाती है, आप तो वापस करना ही भूल जाती है। एंड वी डू दैट, हम ये करते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, हमने अपने अंदर की छोटी छोटी बातें ठीक करनी है, अपने आप को दुरुस्त करना है ताकि हम कल को किसी बड़ी गलती का इर्तकाब ना कर बैठे। अभी जी इसके साथ कुछ पॉइंट्स हैं कि आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे वादा पूरा करने वाले की लोग इज्जत करते हैं। नबी अकरीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा वादा को पूरा करते थे। जो शख्स वादा पूरा नहीं करता, इस पर कोई एतबार नहीं करता। नो बेटी, दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। दीज आर जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। Do you have a fill in the blanks in your chapter? After that, कयामत के दिन वादे के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा तालिबेन वही है जो उस्ताद से, here is we are talking about the तालिबेन, a student, about you, यानी अच्छा तालिबेन वही है जो उस्ताद के साथ किया हुआ वादा पूरा करता है। In the end of this lesson, we have exercise. आपकी मशक है बेटे, दरअसल सवालात के जवाबात लिखें। सवालात के जवाबात आपको WhatsApp सेंड कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप लेकर अपनी नोटबुक पर, इस्लामियत की जो क्लास वर्क नोटबुक होती है वहां पर आपने बहुत नीट राइटिंग में बेटे नोट करने हैं और याद भी करने हैं प्रॉपरली। उसके बाद बेटे आपका लेसन यहाँ एंड हुआ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? ओके बेटे, वन स्टूडेंट हैज आस्क्ड मी अबाउट द फिल इन द ब्लैंक्स। बेटे डू यू हैव फाइंड आउट द फिल इन द ब्लैंक्स इन योर चैप्टर? ओके, हियर इज होमवर्क फॉर यू। आपका होमवर्क है बेटे सबक नंबर 5, वादे की पाबंदी की मश्क हल करें और याद करें। जो सवालात हैं आपकी वो अपनी नोटबुक पर, क्लासवर्क नोटबुक जो है उस पर राइट करने हैं और लर्न भी करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।